खोलो खोलो। घूंघट वाली माता से मिलवा दीजिए, मेरी पोती है। नहीं नहीं, आप माता घूंघट वाली माता से मिलवा दीजिए, वो मेरी पड़पोती ना, वो भरे वापस आ जाओ। नहीं वो सीन है कि आप वहाँ जाते नहीं हो, आप यहीं से ना ऐसे लुक देते हो, तो माता जी वहाँ खड़ी होंगी ना, तो कुछ इशारे में बोलेंगे, इसीलिए तो बंद करना पड़ेगा। हाँ, नहीं जा नहीं रहे हो, पर इशारा भी तो ये ऐसा है ना, फिर वो फटक से आ जाओ। हाँ, बस मैं कम्बाइन कर लेने वाला हूँ, यहीं से इशारा करेंगे इनका और मैम का। अभी आइए, अभी आइए। हाँ, और आप उधर देखिए, टन लीजिए। इससे क्या फायदा होता है? नहीं बताता हूँ ना। हाँ, बस यही रहो ना सर, बस आई थे। हाँ, बस यही से देखा आपने। हाँ हाँ, कुछ उन्होंने इशारा किया? हाँ, वो हमने छोड़ दिया होगा। हाँ देखिए माता जी, क्या बोली ऐसे ले लो फिर। हाँ बोली, हो सकता है आपकी पोता जन जोड़ा आ रहा है, आप चिंता मत, पास है मेरे तो कर तो नहीं, वो करेंगे ना कुछ, ज्यादा इनको देख के बात नहीं करोगे। हाँ ये होगा। हाँ देखिए माता जी, घूंघट वाली माता कह रही है कि क्या माता जी कह रही है, माता कह रही है कि उनके दरबार में किसी के भी साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, सज्जन जोड़ा आपकी पड़पोती को लेकर आता ही होगा। अब आप जाइए यहाँ से। पक्का पक्का मेरे पति, पक्का ना। अब आप जाइए, माता के चमत्कार पर संदेह नहीं करते। माता जी बोलो, एक बार बोलिए, बोलो घूंघट वाली माता की। आप बोलोगे अम्मा जी, माता के चमत्कार पर संदेह नहीं करते, घूंघट वाली माता की जय बोलिए। जय बोला, और आप निकल गई, और आप दरवाजा बंद करिए। अंदर जाए दादा, पानी इसके पहले साइलेंस करवाइए। साइलेंस नमस्ते, मुझे घूंघट वाली माता से मिला, मैं चली जाऊ, मेरी पड़पोती बड़े दरबार में गायब हो गई है, सब जगह हमने ढूंढा, वो मिल नहीं रही है, माता से एक बार मिलवा दीजिए, वो कुछ चमत्कार करेंगे। देखिए माता जी, आप माता से नहीं मिल सकती है। नहीं नहीं नहीं, आप एक सेकंड बाहर ही रहिए, लेकिन ये उनका आराम करने का वक्त है, आप नहीं मिल सकती उनसे। पर आपकी मुश्किल देखकर मैं उनसे बात करके देखता हूँ, आप यहीं रुकिए। देखिए माता जी, घूंघट वाली मैया अपने भक्तों के साथ अनर्थ नहीं होने देती है, उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को आगे आओ ना, देखिए माता जी, घूंघट वाली मैया किसी के भी साथ अनर्थ नहीं करती है, उन्होंने कहा है कि आपकी पड़पोती को एक सज्जन जोड़ा लेकर आ रहा है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है? अरे अम्मा जी, घूंघट वाली माता की बातों पर संदेह नहीं करते हैं, बस कहिए घूंघट वाली माता की जय, 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 घूंघट वाली माता की जय। ओके बराबर है, नहीं और तो अरे वन मिनट रहा। ओके बोल, ओके ऑर्डर, दरवाजा खोलो फिर। रोलिंग मैं घूंघट वाली माता से मिलना चाहता हूँ। पापा जी
मेरी पड़पोती है ना, वो भरी दरबार में गायब हो गई। हमें सब जगह ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिल रही। इतनी छोटी सी बच्ची है। अब भुगटवाली माता है कुछ चमत्कार करके मेरी पड़पोती को हमें सब जगह मुझे मिलने दीजिए ना। आप घूमर वाली माता से इस वक्त नहीं मिल सकती, ये उनका आराम करने का वक्त है, आप इस वक्त नहीं मिल सकती है। लेकिन आपकी हालत देखकर दिन से एक बार बात कर देता हूँ, आप यहीं रुकेगा। क्या बोले? देखिए अम्मा जी, घूमर वाली माता कह रही है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सज्जन जोड़ा आपकी पड़पोती को लेकर आ रहा है। अरे अम्मा जी, घूमक वाली मैया के चमत्कार पर संदेह नहीं करते, सिर्फ आप तो बस घूमक वाली मैया की जय जय। घूमक वाली माँ की जय जयकार, घूमक वाली माँ की जय जयकार। मुझे घूंघट वाली माँ के दर्शन करते। ओके ओके, प्रणाम बोला था पहले। पहले प्रणाम है ना? प्रणाम कहिए मुझे। ओके, रोलिंग एंड रोलिंग एंड एक्शन। प्रणाम प्रणाम सर। नहीं आया वो, रोल उसका मतलब नहीं कुछ होता। एंड अच्छा, रोलिंग एंड एक्शन। प्रणाम जी के लिए, सॉरी जी के लिए। रोल एंड एक्शन। प्रणाम जी के लिए। बेटा मुझे मुझे घूंघट वाली माता से मिलवा दो ना, बहुत बहुत जरूरी। मेरी पोती ना भरे दरबार से गायब हो गई है, सब सब जगह ढूंढ लिया उसका, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब माँ ही कुछ चमत्कार दिखा सकती है, मुझे मुझे मिलवा दो ना उनसे। नहीं नहीं नहीं, आप इस वक्त माता जी से नहीं मिल सकती है, ये उनका आराम। वो मिल जाता ना, ना अभी ना उनको सब कुछ। रोल एंड क्या बोले? सीधे आप लेंगे, सिर्फ उनको इशारा करना। रोल एंड एंड वो आगे बढ़ी एंड एक्शन। देखिए देखिए, आप माता जी से नहीं मिल सकती है, ये उनका आराम करने का वक्त है, आप बाद में आइएगा। लेकिन आपकी परेशानी देखकर लग रहा है कि आप बहुत मुश्किल में हैं, मैं एक बार उनसे बात करता हूँ। रेडी रेडी रेडी, ऑर्डर रोलिंग। देखिए घूंघट में रोल एंड नहीं नहीं, माता जी कह रही है कि उनके दरबार में वहां से ट्रिगर होता है। रोल एंड रोलिंग एंड एक्शन। क्या कहा माता जी ने? माता जी कह रही है कि क्या कहा माता जी ने? देखिए अम्मा जी, घूंघट वाली मैया के दरबार में किसी के भी साथ अनर्थ नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आपकी पड़पोती को लेकर एक सज्जन जोड़ा आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए और जाइए यहाँ से। पक्का पक्का मिल जाएगी मेरी पोती ना? अरे अम्मा जी, घूंघट वाली मैया के ऊपर संदेह नहीं करते हैं, उनके चमत्कार तो निराले हैं। बस आप कहिए घूंघट वाली मैया की जय। अभी पता नहीं चल रहा ना भाई, हाँ फोन नहीं आना चाहिए मुझे। चलो रोलिंग एक्शन। अम्मा जी, घूंघट वाली मैया के चमत्कार पर संदेह नहीं करते हैं, आप तो बस उनकी जय जयकार करें। घूंघट वाली मैया की जय जयकार, घूंघट वाली मैया की जय जयकार।
मैम कितना मैम कितना ओके एंड ओके एंड रोल चल 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 रोलिंग एंड एंड एक्शन। वो आया दरवाजे के पास और दरवाजा खोला और देखा दादी। मैम टेंशन, दादी का क्यों आ गई? प्रणाम कहिए। वो अरे मेरी ना उस पंडाल में ना मेरी पर पोती खो गई है। हाँ अब क्या हुआ? दरवाजा खुला ये और सामने अम्मा जी। ऐसे तो नहीं कि इनको सब कुछ पता चल गया और पहले ही भगदड़ मच गई है। गंगा ने सारा प्लान नाश कर दिया आपका। हाँ बोलते हैं कि प्रणाम जी। कहिए बेटा, मुझे घूंघट वाली माँ से मिलवा दो ना। बहुत बहुत जरूरी है। वो मेरी पोती ना भरे दरबार से गायब हो गई है। हाँ हाँ सब जगह ढूंढ लिया, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला है। अब माँ ही कोई चमत्कार कर सकती है। मुझे मिलवा दो ना उनसे। देखिए और वो आगे बढ़ने लगी आने लगे। अरे देखिए ये माता जी, ये घूंघट वाली माँ के आराम करने का समय है, किंतु आपकी मुश्किल देखकर मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। जी मैं पूछ लेता हूँ। क्या बोलूं? एंड एक्शन। माता जी कह रही हैं कि उनके दरबार में किसी भक्त के साथ अनर्थ नहीं हो सकता है। आपकी पोती मतलब परपोती को एक सज्जन जोड़ा लेकर आएगा, आप निश्चिंत रहे। अम्मा जी ने हाथ जोड़ लिया। बोलते कि पक्का पक्का मेरी परपोती मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, माता के चमत्कार पर संदेह नहीं करते माँ जी। बोलो घूंघट वाली मैया की जय जयकार। और अम्मा जी को जय जयकार बोलने लगी। और इसने दरवाजा बंद किया। प्रिंस, ये वही जोड़ा है ना जिसने मेरे प्लान की पूरी बैंड बजा दी है? जी थॉट ओके ओके। एक ढोंगी माता का कैरेक्टर है जो अपना आती है गंगा के सीरियल में वापस फैमिली के पास, ताकि वो फैमिली के साथ रिवेंज स्टोरी कर सके। एक बेसिकली रिवेंज स्टोरी है। हाँ तो ये सब ये जो है ढोंगी माता और उसके सारे चेले वो पूरा प्लान करते हैं। पहले पोती को गायब करते हैं, फिर पोती को सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि एक चमत्कारी माता हूँ मैं। ढोंगी माता क्या पकड़ा गई? मैंने सुना पगला गई। नहीं इतने जल्दी तो पकड़ी नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम चलेगा, थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी पकड़े जाने का कोई चारा नहीं है। आई थिंक हम सबको पता है ये किस टाइप का गेटअप है। आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? आपको क्या लगता है ये किस टाइप का गेटअप है? आप बताइए ना, मेरे मुंह से जान के आप क्या करोगे? आप बताइए, सबकी समझदारी अपने प्लेस पे है, सबका दिमाग चल रहा है। आप बताइए किस टाइप का गेटअप है? आपको क्या लगता है कि ये किस टाइप का गेटअप है? किसी को देखा है ऐसे पहले? आपने किसी को देखा है ऐसे पहले? आपने कभी 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 देखा है कि किसी ने ऐसे लाल कलर का जोड़ा पहना है, इतनी सारी श्रृंगार की है, दुल्हन टाइप का? कौन हो सकता है वो, सोचिए आप। फियोस को बहुत
एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा मस्ती और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आएगा व्यूअर्स के लिए. देखिए, आपको अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा करना चाहिए. आपका प्राइम मिनिस्टर जो भी कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा. तो हम मैं यही सबसे दरख्वास्त करूंगी कि थोड़ी सी मुश्किल होगी जरूर, बट इवेंचुअली आगे जाके हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है. परेशानी से ज्यादा मुझे खुशी हुई कि ऐसा काला धन निकालने के लिए, इराडिकेट करने के लिए किसी ने एक स्टेप लिया, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है. बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू.